बढ़िया सिटी है। आरडीए डॉक्टर की बात जाएगी, आरडीए डॉक्टर जी आयोग है। सबसे पहले तो मैं आगरा जिला की ओर से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर से आगे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से संस्थाओं के स्थापना से विकास होता है, विकास की वजह से बड़ी आप लोगों को धन्यवाद। आपने हमारे प्रतिभा की है, आपने शिक्षण को व्यवस्था की, आपने बिहार को नहीं किया। जैसे कि हमने कहा बिहार में 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस कहे जा सकते हैं, क्योंकि AICTE से एफिलिएटेड ऐसी बहुत आवश्यकता है। आधुनिक युग यही मान तो याद है आयोजन लड़ाई पास आउट ऑफ स्कूल उस समय प्रोफेशनल कॉलेजेस की ओर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इस ओर जाने की बहुत बहुत अधिक लाल सा बच्चों के लिए काफ़ी, क्योंकि अभिभावकों से मैं कि ये और ये आउटलुक नहीं था, ये व्यू नहीं। हमारे समय में इस समय मैं स्कूल से निकला उस समय ग्रेजुएशन की बात रही अच्छे मानो ग्रेजुएट कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज अच्छे कॉलेज में जाने की बात हुई, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जाने की बात किया बहुत कम हुई, मेडिकल में उस लोग जा गए और वो लगता था कि ग्रेजुएशन हो गया तो हमने पढ़ाई कर ली। अब ये बदल गया और अब ये लोग देखते हैं कि हाँ साहब इंजीनियर हमको चाहिए, मैनेजमेंट डिग्री वाले चाहिए, वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन से ट्रेंड हुए हो वो सही होना चाहिए। अब सिंपल डिग्री की मांग नहीं कर रहे और हमको याद किया कि उस समय की है जिस समय की बदलाव आना शुरू हुआ, मैं वो बिहारी मैजिस्ट्रेट का स्टेट था उस समय, वहाँ स्टेट था उस समय, वहाँ पर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थी और सरकार से हमको निर्देश आया बिहार सरकार से उसको बंद कर दिया ताला लगाया और हमें जाकर ये हम लोग का नजरिया, ये विभाग का नजरिया, यही नजरिया था जिस कारण हम पीछे रहे। और उसी समय में जिस समय में यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज ताला लगाया था, उस समय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को डिस्करेज किया था, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को डिस्करेज किया। ये हम लोग का कंजर्वेटिव जो ओरिएंटेशन है ना, हम लोगों के विकास को होना अब समझदारी हुई और अब लोग वेलकम कर इंस्टीट्यूशन को सेटअप और धीरे धीरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेटअप हो। जो डेवलप कंट्रीज है उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत ही बहुत आया, ये सरकार के द्वारा सेटअप नहीं हुई, ये सब फाउंडेशन के द्वारा सेटअप हुए। हार्वर्ड है, येल है, प्रिंसटन है, इन सबको सरकार ने सेटअप नहीं किया, ये सब फाउंडेशन सेटअप हुए। जैसे कि ये इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन से सेटअप भविष्य यही आप भविष्य वैसे उन्हीं लड़कों को हो जो कि इस प्रकार का प्रोफेशनल एजुकेशन चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन की हो या मैनेजमेंट हो, ऐसे एजुकेशन को पास है द फ्यूचर इज दैट। और आप ये हम लोगों को यहाँ पर ऐसा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन देते हैं जिससे कि हमारे बच्चों को बिहार के बच्चों को लाभ होगा। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने और बहुत खर्च होगा, यहाँ पर पढ़ाई करेंगे जो खर्च होता है वो कम होगा। तो थैंक यू, थैंक यू, मेरी ये शुभकामना है कि आपका इंस्टीट्यूशन बढ़े, इसका रेपुटेशन बढ़े, रेपुटेशन बढ़ेगा वो अच्छे लड़के आएंगे, इसके रिजल्ट अच्छे होंगे और अपना प्लेसमेंट का साथ हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप अपने फैकल्टी को साथ हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को 1.5 लाख बदले में अगर आपने 2 लाख रुपये दिया तो उसके 50,000 लेकिन उसके कारण अगर आपने आउटस्टैंडिंग फैकल्टी ले आई उसके कारण आपके रिजल्ट अच्छे होंगे, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा और उसके कारण ये आपको देखेंगे कि हाँ साहब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया, आपके बच्चों का प्लेसमेंट भी हाई हो गया।
गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गाँव में भी उपलब्ध है। किसान मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसान मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसान मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमाय पट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।